आज अजमेर के एक दानदाता ने श्री महाकालेश्वर भगवान को चांदी के आभूषण भेंट किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित लोकेश शरद चंद्र व्यास की प्रेरणा से श्री महाकालेश्वर भगवान हेतु रजत आभूषण व पूजन में उपयोग होने वाली वस्तुएं दान की गई। इसमें मुकुटमय किरण, मुंड माला, चांदी के बिल्व पत्र की माला, कुंडल, छत्र, 14 कटोरी, पंचारती, मत्स्य आरती, कपूर आरती, 3 थाली, पंचपात्र, आजमनी, चवर चांदी में मढ़े हुए पाटला चांदी से मढ़ा हुआ त्रिपुंड व छोटा मुकुट भेंट किया गया। दानदाता द्वारा नाम गुप्त रखने की मंशा जाहिर भी की गई। सभी वस्तुओं का वजन लगभग 36 किलो 700 ग्राम निकला। इसकी राशि रुपए लगभग 25 लाख रुपए है। दानदाता द्वारा विधिवत पूजन के बाद रजत आभूषण श्री महाकालेश्वर भगवान को अर्पित किए गए। इसको मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा प्राप्त किया गया। वही दानदाता को समिति की कोठार शाखा द्वारा विधिवत रसीद भी प्रदान की गई। इस दौरान पंडित भावेश व्यास, पंडित तिलक व्यास, पंडित विनोद व्यास आदि उपस्थित थे। ज्ञात हो कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार अन्न दान किया जाता है। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहित व मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों, कर्मचारियों के माध्यम से भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित भी किया जाता है।